ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूरम् सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्दवर्णे मिचन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य पर्वणम् वोच्चम्। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद जी ने इस गोमरसार जीवकांड ग्रंथ की रचना की है और इसमें जो जीव की 20 प्ररूपणाएं बताई है, हमें अपने को समझना है, आत्मा का अनुभव करना है तो पहले संयोग में क्या है, कैसी अवस्थाएं बन रही है, पर्यायों में क्या बात हो रही है, इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है, अपना भी और अन्य जीवों संबंधी कर्म संबंधी प्राथमिक थोड़ी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि केवल मैं जुदा हूं बाकी पर जुदा है कहने से वो मैं कौन हूं भाषित नहीं होता है। पूरा सार तो यही है कि मैं तो जीव पदार्थ हूं और बाकी जो अन्य चीजें दिख रही है वो पुद्गल है, अन्य भी जीव है, परंतु इनकी विस्तार से थोड़ी पहचान हो जाए, क्योंकि इनसे मैं भिन्न हूं ये समझने के लिए वो क्या है वो भी समझना आवश्यक है। इसलिए गुणस्थान और मार्गणास्थान का सामान्य स्वरूप स्थूल रीति से तो जानना बहुत आवश्यक है, उस कारण अपने जो संशय बने रहते हैं ज्ञान में वो दूर हो जाते हैं। ज्ञान का फल क्या होना चाहिए, फायदा क्या जानने से? हाँ, जानने का फल क्या होता है? अज्ञान का नाश हो जाता है। उस संबंधी जो अज्ञान है वो नहीं रहता, जानने का यही फल है। हम क्या जानना, फल क्या चाहते हैं? अरे वहां दुकान में बैठते हैं तो फल मिलता है हमको, ऐसे यहां जानने से क्या मिलेगा, ऐसा लगता है लोगों को कि 2 घंटे यहां बिताने से अच्छा है ना वहां दुकान में बैठेंगे तो कुछ आमदनी भी हो जाएगी। वो कितने काम की है वो बात अलग है। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये जो यहां अभी अपने सम्यक्तव मार्गणा की चर्चा अपनी हुई है, ये हम योग मार्गणा की चर्चा अपने आरंभ हो गई है। योग यानी आत्म प्रदेशों की चंचलता, उसको द्रव्य योग कहते हैं, और कर्म और नौकर्म को आकर्षण शक्ति जो है आत्मा की, उसको भाव योग कहते हैं। साधारणपणे वो द्रव्य के भाव ऐसी चर्चा नहीं करते हुए योग है ऐसा हम कहते हैं। योग आत्मा का गुण है, उसकी स्वभाव रूप अवस्था है निष्कंप अवस्था, और कंप होना ये उसका विभाव है, उसी को योग कहने में आता है। जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर का उदाहरण दिया था, सबको ब्लड प्रेशर होता है, परंतु वो जो नॉर्मल से अधिक बढ़ गया, जिसको कहते हाई ब्लड प्रेशर, तो हम कहते इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हो सकता है किसी को लो भी हो जाए तो कहेंगे इसको कुछ बीमारी है, परंतु जो नॉर्मल है उसको ऐसा नहीं कहते हमको ब्लड प्रेशर है, ये तो लौकिक में कहने की पद्धति है। यहां पर रूढ़िवश जिसके यो योग का विभाव कंपन है, जिसको प्रदेशों की चंचलता कहते हैं, उसको यहां योग कहने में आता है। हमने बहुत बार यहां कर्मों की भी बात उठाई है कि कर्मबंध होता है, तो कर्म बंध होता है तो उसमें क्या होता है, अनेक नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं, उसको प्रदेश बंध कहते हैं। पर्टिकुलर प्रकृति में वो टर्न होते हैं उसको कहेंगे प्रकृति बंध। कितने लंबे काल तक वो कर्म जीव के साथ सत्ता में पड़ा रहेगा उसको कहेंगे स्थिति बंध, और उसमें फलदान शक्ति कितनी है उसकी इंटेंसिटी उसको कहेंगे अनुभाग बंध। तो आपको याद होगा ये प्रदेश बंध और प्रकृति बंध किस कारण से होते हैं, योग से, और स्थिति बंध अनुभाग बंध कषाय से।
यानी बंध के कारण दो योग और कषाय, अब यही बात चल रही है ना गुरुदेव के प्रवचन में। तो ये बंध के कारण है, योग और कषाय ये बंध के कारण है। देखो योग है वो प्रदेशों की चंचलता है और कषाय है वो परिणामों की चंचलता है। क्षोभ परिणाम कहते हैं ना उसको, भले वो मंद हो या तीव्र हो, कषाय मंद हो या तीव्र हो, वो तो है विभाव परिणाम और उसी से बंध भी होता है। हमारी यहां चर्चा योग संबंधी चलेगी। तीन भेद मुख्य हमने देखे थे, मनोयोग, वचन योग और काय योग, और उसके भी भेद हमने देखे थे। मनोयोग चार प्रकार के है, वचन योग चार प्रकार के है, और काय योग जो है वो सात प्रकार का है। वो किसके होता है, क्या होता है, उसकी विशेषता कितनी, कितने काल तक रहता है, वो चर्चा अभी आ जाएगी। मनोयोग और वचन योग के जो चार भेद है, सत्य असत्य उभय और अनुभय, तो पदार्थों में ये भेद होते हैं सत्य असत्य उभय अनुभय, उसके कारण वो पदार्थों को जानने में जो मन की प्रवृत्ति होती है, जीव की जो वहां प्रवृत्ति हो रही है, मन की यानी जीव की प्रवृत्ति होती है, तो वहां पर उसको उस नाम का मनोयोग कहेंगे, सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग आदि। और उसमें जो वचन की प्रवृत्ति के लिए जीव का जो प्रयत्न होता है ना, देखो ये भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमती है, परंतु वहां जीव क्या करता है, जीव का भी निमित्त है वहां पर, तो एक इंद्रियों के क्यों नहीं होती है भाषा, भाषा वर्गना पड़ी ना उसके आजू बाजू में, क्यों नहीं होती है, उनकी भाषा पर्याप्ति नहीं, उनकी भाषा पर्याप्ति क्यों नहीं है, स्वर नाम का उदय नहीं उनका, स्वर नामक नाम कर्म का, वो द्विंद्रियादि से होता है। ये सारे आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताए जाते हैं, यानी वचन किसके होता है कि स्वर नामक नाम कर्म के उदय से भाषा पर्याप्ति हुई है, और ऐसे जो उनके भाषा वर्गना के निमित्त से ने भाषा वर्गना का ग्रहण करके उसके शब्द रूप परिणमन होता है। अभी उसकी बात अभी हम करेंगे क्रम से। ऐसे मन योग किसके होगा, संगी पंचेंद्रियों के होगा, उनके भी वो मन संबंधी जो रचना होती है उस इंद्रियावरण वगैरह के नाम कर्म नो कर्म का ये उदय होता है, तो उसके कारण वो द्रव्यमन की रचना होगी, मन पर्याप्ति होगी उसके द्रव्यमन की रचना होगी आदि। तो उसके कारण ये मनोयोग चार प्रकार के, वचन योग चार प्रकार के। अब यहां हम पढ़ेंगे 340 पेज पर। नहीं नहीं नहीं, एक योग से एक वर्गना, वैसे तो सभी वर्गनाएं वहां एट ए टाइम चल ही रहा है, परंतु ये तो कथन पद्धति जो है, जैसे हम कहें कारमाण काय योग में हम कर्म का ग्रहण करेंगे, परंतु हर समय कर्म का ग्रहण तो हो ही रहा है, तो कारमाण काय योग केवल विग्रह गति में कहने में आता है। ये रूढ़ी गति परमागम की ऐसी रूढ़ी है, हमें इसको सबको रूढ़ी से स्वीकारना है। उस समय वो होता है कि नहीं होता है वो प्रश्न अलग है, समझ। मनोवर्गना का अवलंबन होता है योग के द्वारा, क्योंकि प्रदेशों का कंपन तो चल रहा है, उसी में कर्मों का भी ग्रहण हो रहा है, शरीर के परमाणुओं का भी ग्रहण हो रहा है, परंतु रूढ़िवश वो एक समय में एक योग होगा, कोई सभी योग एट ए टाइम नहीं कहलाएंगे। अब यहां हम देखते हैं 218 की टीका, पेज नंबर 340। सत भाव अर्थात सत पदार्थ है गोचर जिसके, गोचर यानी जानने में आते हैं, ऐसा जो मन अर्थात सत्य पदार्थ के ज्ञान उपजाने की शक्तियुक्त भाव मन हो, उस सत्य मन से उत्पन्न जो चेष्टा प्रवर्तन रूप योग, चेष्टा यानी प्रयत्न, उसे सत्य मनोयोग कहते हैं। यानी वो जानने के प्रति उद्युक्त हुआ है, वहां पर जो उसके कुछ प्रयत्न रूप प्रवर्तन होता है, प्रवर्तन यानी उसका जो एक्शन होती है उसको सत्य मनोयोग कहते हैं। इसी प्रकार हमने कल सत्य पदार्थ क्या है असत्य पदार्थ क्या है उसकी सब उदाहरण सहित चर्चा की थी। अब उस संबंधी मन की जो प्रवृत्ति होती है उसकी बात यहां चल रही है। विपरीत असत्य पदार्थ रूप विषय के ज्ञान उपजाने की शक्ति रूप जो भाव मन, उससे जो चेष्टा प्रवर्तन रूप योग होता है उसे असत्य मनोयोग कहते हैं। और युगपत यानी एट ए टाइम दोनों भी, सत्य भी और असत्य भी, उसका भी हमने उदाहरण देखा था, वो
घट को कमंडलू कहा था या कमंडल को घट कहा था, उस पदार्थ के ज्ञान उपजाने की शक्ति रूप जो भाव मन, उससे जो प्रवर्तन रूप योग होता है उसे उभय मनोयोग कहते हैं। ऐसे है भव्य तू जान। अब कौन सा रह गया? अनुभय। अनुभय, उभय ने दोनों, अनुभय ने दोनों भी नहीं, जो सत्य भी नहीं जो असत्य भी नहीं, उसको अनुभय कहते हैं। मराठी में ये उभय शब्द वापरते हैं। आप उभयता आना यानी आप दोनों आना, आमंत्रण देने जाते हैं आप दोनों आना ऐसा कहना है तो आप उभयता आ जाना ऐसा कहते हैं। तो उभय शब्द है ना दोनों, ऐसा नहीं कहते अनुभय आप सब आ जा जो मन 341 पेज पर, जो मन सत्य और मृषा, मृषा का अर्थ होता है असत्य, क्योंकि अ लगाना है, अ लगाना है सत्य को भी और अ लगाना है मृषा को भी। अगर वहां असत्य कहते तो असत्य और असत्य कहना पड़ता है ना, अ कॉमन लगाया, असत्य मृषा यानी असत्य और अमृषा, जो सत्य भी नहीं और जो मृषा भी नहीं। ऐसे एक ही बार अ शब्द लगाने वाला कोई शब्द मालूम है आपको? हाँ हाँ, नहीं अ शब्द लगा हुआ चाहिए, अनादि निधन। हाँ और कोई? अबद्ध स्पृष्ट। और कोई? अकार्य कारण कह सकते हैं और अगुरु लघु सबको परिचित है ना, अगुरु अलघु शब्द ऐसे तैयार होने की पद्धति है। ऐसे यहां शब्द क्या होगा? असत्यम रुषा, शॉर्ट में उसको हम अनुभय कह देते हैं। आपका प्रश्न ऐसा है क्या असंकुचित विकासत्व ऐसा लगेगा तो क्या ऐसा उसका अर्थ होता है असंकोच और अविकास? नहीं। असंकुचित विकासत्व शक्ति का कार्य क्या है आपको नहीं पूछा, उनको पूछ रहे। हाँ हाँ, बिना संकोच का विकास, अमर्यादित विकास। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि उसके प्रत्येक गुण में जो सामर्थ्य है उसका संकोच वगर नो विस्तार विकास, यानी क्या? लिमिटलेस। संकोच बिना का यानी क्या? लिमिटलेस, अमर्यादित। जैसे ज्ञान में जो शक्ति सामर्थ्य है उसका कितना विकास होता है? जैसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो अमर्यादित विकास होता है। तो अ शब्द एक ही बार लेगा, संकोच के लिए अ लगा, विकास के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मन सत्य और मृषा अर्थात असत्य, मृषा ने असत्य से युक्त न हो तथा सत्य असत्य के निर्णय से रहित जो अनुभव पदार्थ, उनका ज्ञान उपजाने की शक्ति रूप जो भाव मन, उससे उत्पन्न जो प्रवर्तन रूप योग, यानी पदार्थ को जाना परंतु उसका निर्णय नहीं हुआ तो उसको कहेंगे यहां पर, उसे सत्य असत्य रहित अनुभय मनोयोग कहते हैं। ऐसे चार प्रकार के मनोयोग कहे। देखो जब आगे कहीं बताऊंगी मैं, आलाप कहते हैं ने, ये चार तो भेद हुए और चारों ही जिसमें गर्भित है, या भेद किए बिना एक भी कोई कह सकते तो उसको हम मनोयोग ऐसा कहेंगे, सामान्य मनोयोग। जब आगे चलकर भेदों की बात आती है तो पांच भेद बताए जाते हैं। एक सामान्य से मनोयोग कहेंगे, सामान्य से कहना कोई भी भेद हो या सभी भेद हो तो वो सब मनोयोग, इतना ही हमने कहा, उसमें सब गर्भित हो जाते हैं। जैसे सामान्य से तिर्यंश कहने से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब इंक्लूड होते हैं, और विशेष से कहेंगे ये पंचेंद्रिय तिर्यंश है तो वो उसका विशेष भेद हुआ। ऐसी करणायोग की पद्धति है, पहले सामान्य से, जैसे हम कहेंगे सामान्य मनुष्य तो उसमें पर्याप्त भी आ गए अपर्याप्त भी आए वो सब आ गए, और जब कहेंगे ये सामान्य से मनोयोग तो उसमें चारों ही भेदों में चारों भी आ सकते हैं, एक भेद को भी सामान्य से कह सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कर्म,
कर्म कहने से कौन से कर्मों की बात हो रही है? सामान्य से। जब हम कहेंगे इस कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट, तो भले उसके एक भेद की स्थिति है, सबकी नहीं है, फिर भी वो सामान्य कर्म के लिए लागू हो जाती है। ऐसा यहां जो एक भी बारे में, एक किसी भेद के बारे में जो कथन हो, सामान्य से कहने पर वो वहां हम कह सकते हैं। यानी जब विस्तार से आगे बातें आती है तो वहां 5 मनोयोग बताए जाते हैं। तो आप ऐसा चौंकना नहीं, ये 5वां कहां से लाया, हमने तो 4 ही पढ़े थे। तो एक सामान्य से मनोयोग कहेंगे, फिर उसके एक एक भेद की बात करेंगे, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन योग के बारे में भी ऐसा ही कहेंगे, सामान्य से वचन योग कहेंगे, फिर उसके एक एक भेद को अलग अलग गिनाएंगे। ये पद्धति है। ये पद्धति कहाँ काम आती है? जैसे हम कहेंगे काय योग, तो काय योग में लगातार रहने का लंबा काल कैसा, कितना है? कोई जीव अकेले काय योग में ही लंबे काल तक रहेंगे तो कितने काल तक रह सकता है? हाँ, अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त आप क्या कहते हैं? अनंत काल। क्यों? एकेंद्रीय है। एकेंद्रीय जीव में क्या होगा? औदारिक होगा, कभी औदारिक मिश्र होगा, कभी कारमान होगा, फिर भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एकेंद्रीय में रहा। द्विंद्रिय हो जाए तो उसको काय योग वचन होगी। इसको गिनने के लिए सामान्य से। सामान्य क्यों कहा? क्योंकि औदारिक मिश्र बीच में आता है। अकेला औदारिक का योग पूछेंगे तो औदारिक का योग लगातार कितने साल तक रहेगा? नहीं हो सकता। औदारिक मिश्र आएगा ना बीच में, 22,000 वर्ष में एक अंतर्मूर्त कम, पृथ्वी का एक की उत्कृष्ट आयु। क्योंकि हर बार मरकर अन्य भव में जाएगा तो शुरुआत में वहां तो आपने जो कहा अंगुल का असंख्यात भाग, तो बिना कारमान योग का उन्होंने सोचा, परंतु औदारिक मिश्र छूट गया। हाँ, तो बीच में औदारिक मिश्र तो होता ही रहेगा, हर भव में जाता है। तो शरीर पर अभी कब होता है वो हम पढ़ेंगे, शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक औदारिक मिश्र का योग कहेंगे, बाद में उनका औदारिक का योग है। अभी एकेंद्रियों में तो कुछ योग का पलटना अन्यथा नहीं होगा, औदारिक का योग चलेगा, तो जिसकी लंबी आयु है उसको लेंगे। पृथ्वी कायिकाओं की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो 22,000 वर्ष की है। उसमें से औदारिक मिश्र का एक अंतर्मूर्त माइनस कर दिया, इतने औदारिक कायोग में रहने का उत्कृष्ट काल कहेंगे। पहले हमने अकेला कायोग पूछा था, तो उसमें बीच बीच में औदारिक मिश्र हो या औदारिक हो, वो सावरे कायोग के ही भेद है, इसलिए हमने वहां पर अनंत काल गठित कर लिया। कैसे सोचना है, एक बार वो ट्रिक पता चल जाएगी तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आता। करना नहीं हो कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है, और आप जितना पढ़ोगे उतना इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस इज वो आप ही बोलो तो अच्छा लगता है। कॉमन सेंस इज सच अ सेंस विच इज वेरी अनकॉमन इन द वर्ल्ड। नहीं समझे? कॉमन सेंस इज सच अ सेंस विच इज वेरी अनकॉमन इन द वर्ल्ड। वो ऐसा सेंस है कि जो पाया नहीं जाता है। क्या सच्चे खोटे आने वाले स्वप्न भी मनोयोग से ही आते हैं? स्वप्न, ये सच्चे भी सपने होते हैं क्या? स्वप्न सभी त्रस जीवों के आते हैं क्या? एक इंद्रियों का आते होगे कि नहीं आते होगे? हाँ, उस त्यान वृद्धि आदि का उदय नहीं उनको, ना देवों के हैं, यहां मनुष्यों की ये सहूलियत है। भरपूर सो लो, त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला का उदय है। तो देखो, ये तो मन की जो वहां कुछ विकल्पात्मक चर्चा चलती है, ये तो सपने तो झूठे है ही, दिन भर जो कल्पनाएं करते वो कितनी सत्य है? हाँ, झूठे जग के सपने सारे। ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे परिवार है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र, ये क्या है? ये मन की कल्पनाएं तो है। यथार्थ रीति से देखो, हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखो तो सारा ये सब असत्य हमने अपने कल्पना में हमने खड़ा कर दिया।
दिवा स्वप्न कहते हैं ना उसको। मरण का समय आता है तो पता चलता है ये सब क्या क्या हमने सोच के रखा है, सब व्यर्थ का बेकार गया, क्योंकि अभी छोड़ के जाना है। हाँ हाँ, आप कहते तीर्थंकर के माता के सपने हैं ना, हाँ वो तो सपने आते हैं उनको, वो तो निमित्त से उसका ज्ञान किया जाता है, थोड़ा ही वृषभ उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। स्वप्न तो संकेत होते हैं, ये तो एक निमित्त ज्ञान है, सपनों से उसका फल बताया भी जाता है, ऐसे भी होते हैं कुछ, तो उसका वो विषय तो अलग है, वो शुद्ध ज्ञान के उस भेदों में आ जाता है। यहां तो हम क्या देख रहे थे, अब ये तो हमने मन के चार भेद देखे है ना, सत्य असत्य आदि, अब वचन के भी ऐसे भेद करेंगे। 220 की टीका, सत्य अर्थ का कहने वाला वह सत्य वचन है, जनपद से लेकर जो 10 प्रकार के सत्य रूप पदार्थ, वो जनपद क्या है वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में, उनमें वचन प्रवृत्ति करने को समर्थ, यानी सत्य किसको कहना। तो ये सत्य के भी अलग अलग भेद है, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो उसमें जो वचन प्रवृत्ति होती है उसको करने को समर्थ क्या है, कहते स्वर नामक नाम कर्म के उदय से हुई भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न जो भाषा वर्गना के अवलंबन से युक्त आत्मा के प्रदेशों में शक्ति रूप भाव वचन से उत्पन्न हुआ जो प्रवृत्ति रूप विशेष, कितने कितने वाक्यों को एक वाक्य में समा दिया उसको डिटेल से देखेंगे। यहां क्या है, जीव की जो प्रवृत्ति रूप विशेष किसके लिए, वो बोलने के प्रति, वचन के प्रति, कैसा है वो सत्य रूप पदार्थ, उसके बारे में जो वचन की प्रवृत्ति होती है। वचन की प्रवृत्ति क्यों होती है, तो कहते कि स्वर नामक नाम कर्म से उत्पन्न भाषा पर्याप्ति है, तो भाषा पर्याप्ति हुई परंतु वहां पर भी भाषा वर्गना का जो अवलंबन है और जीव की उसमें जो वचन रूप प्रवृत्ति में जो उसके उसका जो कुछ योग होता है वचन के लिए, प्रवृत्ति के लिए उसके जो कुछ प्रयत्न होते हैं उसको वचन योग कहते हैं। भगवान की वाणी क्यों छूटती है, महावीर की वाणी छूटी नहीं थी, गणधर आते ही छूट गई, तो क्या निमित्त से छूटी। हाँ हाँ, भवि भागन यानी भव्य के भाग्य से, और आगे क्या लिखा है, भवि भागन वची जोगे वशाय, वची जोगे का अर्थ क्या है, वचन योग, उसको तो भूल जाते हैं, वो भी निमित्त है। उपादान कौन है, दिव्य ध्वनि का उपादान कौन है, हाँ भाषा वर्गना, भाषा वर्गना से शब्द रूप परिणमित हो गया वो, उसमें निमित्त कौन है, तो ये वचन योग उसमें निमित्त है, ऐसा लेना है। वो पुद्गल का कार्य है, जीव का नहीं है, फिर भी उपचार से जीव की कहने, क्योंकि उसका वो वचन योग उसमें लगा है तो उनकी वाणी ऐसा भी कहेंगे, ये उपचार है सारे, तो उसमें मुख्य उपादान कौन है, तो भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हो गई है। हमने देखा था ना कल, वर्गना देखी थी, पांच वर्गना, जीव के ग्रहण योग्य पांच वर्गना में एक भाषा वर्गना नाम था, आपको याद होगा। तो भाषा वर्गना पुद्गल की वर्गनाए है, पुद्गल परमाणुओं के वो स्कंद है, वो भाषा रूप शब्द रूप परिणमित होते हैं, और उसमें जीव का क्या निमित्त बनता है, उनका ये वचन योग है वो उसमें निमित्त बनता है। तो इच्छा से भाषा निकलती है कि नहीं निकलती है, तो दिव्य ध्वनि कितनी इच्छा से निकलती है, नहीं उनकी इच्छा से नहीं होती होगी, हमारी इच्छा से तो निकलती है ना दिव्य ध्वनि, या हमारी भाषा हमारी इच्छा से निकलती है कि नहीं निकलती, नहीं निकलती, बिना इच्छा से भी कभी कभी निकल जाती है ना, हम बोलना कुछ चाहते हैं निकलता कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलते बोलते आपको पता ही नहीं चलता हमने कुछ गलत बोल दिया, बाजू वाले फिर थोड़ी चौकन्ना कर देते ऐसा ऐसा बोल दिया है। देखो सत्य अर्थ का कहने वाला वह, ये पूरा पढ़ा ना हमने, देखो स्वर नामक नाम कर्म, एक नाम कर्म का भेद है उसमें आता है ना, दुस्वर सुस्वर नाम कर्म के भेद है, उसके उदय में क्या होता है पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति है। देखो यहां पर्याप्ति का विषय बहुत पहले चल चुका था, जीव कहीं से मरकर अन्य भव में चला जाता है तो वहां शरीर यानी उसके आहार वर्गना यानी वो सारे परमाणु का ग्रहण शुरू होता है, क्योंकि वो योग वगैरह उसमें निमित्त होते हैं,
और उसमें क्या होता है, जो परमाणु ग्रहण किए हैं उसमें से वहां शरीर की रचना आदि सभी बातें बनती है, तो उसमें जीव का भी उसमें निमित्तपना बनता है। तो जीव में ऐसी कुछ शक्तियां, शक्तियां नहीं, यहां तो योग्यता उत्पन्न होती है, वो शक्ति यानी वो गुण वाली शक्ति नहीं समझना। तो उसमें क्या होता है, आहार पर्याप्ति होती है, नहीं जो परमाणु ग्रहण किए है उसको खलरूप रसरूप परिणमाने की जीव की शक्ति। पुद्गल में कार्य होता है वो पुद्गल का, और जीव का निमित्त होता है वो जीव की शक्ति कहने में आती। फिर क्या होता है, शरीर पर्याप्ति, जो खलरूप हुए उसमें से सॉलिड ऑर्गन्स बनेंगे, रसरूप में से लिक्विड जो ऑर्गन्स है, ब्लड है, लिम्फ है आदि, वो बनते हैं, वो बनने की शक्ति यानी निमित्तपना आत्मा का है, उसको शरीर पर्याप्ति कहेंगे। उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति होती है, जहां इंद्रियों की रचना होती है वहां से वो ग्रहण करने की उसकी जो आत्मा की शक्ति उत्पन्न होती है अपने अपने विषय को, उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति, बाद में भाषा पर्याप्ति। ये पर्याप्ति यानी शक्तियों की पूर्णता होने पर उस पर्याप्ति से वो जो कार्य होना है वो चालू हो जाता है। छह पर्याप्ति से पूर्ण होता है जीव, जो पर्याप्त नाम कर्म वाला है। अभी संगी पंचेंद्रियों में छह पर्याप्ति होती है, तो पर्याप्त नाम कर्म से युक्त जीव की सभी पर्याप्ति पूर्ण होती ही है नियम से। फिर भी उसको जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसको अपर्याप्त कहते, निर्वृत्ति अपर्याप्त। ये क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि जब जब ये मिश्र कायोग की या मिश्र वैक्रियक मिश्र आहारक मिश्र की बात आएगी तब हमेशा इसका नाम लेंगे। वो कब तक होती है, पर्याप्त जीवों को शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक मिश्र कायोग होता है, और जो लब्धि अपर्याप्तक होता है, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिसकी सभी पर्याप्ति शुरू तो होती ही है, एक भी पर्याप्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, उसके पहले उसका अल्प आयु होती है, वो मर जाता है, उसको भी कहते हैं लब्धि अपर्याप्त जीव। उसके तो मात्र औदारिक मिश्र ही कायोग होगा, वो तो औदारिक कायोग तक पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि औदारिक कायोग तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर होता है, और ये तो उसके पहले ही मर जाता है। उनके तो मात्र औदारिक मिश्र कायोग ही पाया जाएगा, इसलिए ये पर्याप्ति की बात यहां उठाई। तो अन्य भव से मरकर आता है, तो वहां जो भव का यानी शरीर ग्रहण करने का पहला समय है, तभी से ये पर्याप्तियों की, सभी पर्याप्तियों की शुरुआत, स्टार्टिंग प्वाइंट एक टाइम में चालू होता है। एक एक की पूर्णता यानी वो शक्ति की जो डेवलपमेंट है वो पूर्णता को प्राप्त होगी। शक्ति वो पूर्ण सभी पूर्ण हो जाने पर उनका जो कार्य है, हर समय शरीर के परमाणु ग्रहण करने का कार्य, वो जब गर्भ में आया है जीव या गर्भ से जो नहीं उत्पन्न होता है वहां जो जन्म का पहला समय है, तब से लेकर शरीर के परमाणुओं का ग्रहण हर समय चलता रहे, कब तक, मरण के समय तक। जैसे ग्रहण करता है वैसे छोड़ना भी चलता है, उसमें भी निषेक रचना होती है जैसे कर्मों में होती है, उसकी बात हम पढ़ेंगे इसमें से। तो ये सब बातें होती है, तो उसको समझने के लिए बाकी भी चर्चा आती है, पर्याप्तियों की चर्चा इसलिए आती है। विशिष्ट पर्याप्तियों के लिए विशिष्ट नाम कर्म का उदय निमित्त है, उसकी चर्चा यहां होती है। यानी जो शरीर की जो सारी रचनाएं हैं, अलग अलग नाम कर्म के उदयों में वैसी वैसी रचना हो जाती है सहज। एक इतना ऊंचा क्यों है, ठिंगना क्यों है, काला क्यों है, गोरा क्यों है, ऐसे आंखें, वो ऐसा शेप है, वो ऐसा शेप है, वो सब उसके निमित्त के अलग अलग नाम कर्म वहां पड़े हैं। हाँ, किसने बांधे वो अपने ही परिणामों से पूर्व में बांधे हैं, और उसका भी फल मिल रहा है। और फिर ऐसा क्यों ऐसा लगता है, जब फोटो निकाल रहे थे हमारे फोटोग्राफर, तो हमने आंखें बंद की और मुंह टेढ़ा कर दिया, और जब फोटो देखी तो उनको बोला ये क्यों ऐसा आया, हम क्या करें, आप ही ने ऐसा मुंह बनाया था। ऐसे ही अभी जो जो संयोग हो या शरीर की रचना हो, जो कुछ है वो अपने ही परिणामों का फोटो दिखा रहे हैं, या आप ही के पूर्व के परिणाम है, उसमें फिर रचे पचे रहते हैं, फिर उसी में राग द्वेष करते हैं, तो और नए नए कर्म बनते हैं। तो ये कब से चल रहा है चक्र, विशेष सर्कल, वो दुष्ट चक्र अनादि से चल रहा है। संयोग अच्छे मिले, देखो हमने पुण्य किया ना इसलिए अच्छे, यानी वो खुश खुश हो जाता है, देखो हमारा, हमने पूर्व भव में पुण्य किया तो अभी हमें सुखी चाहिए। क्यों, यानी पुण्य को अच्छा मानता है, पुण्य के फल में जिसको गुदगुदी हो रही है, अच्छा अच्छा लग रहा है, देखो हमारे पुण्य का फल है,
तो ये बंधका अच्छा फल मान रहा है तो पुण्य बंध को अच्छा माना. जिसने बंध को अच्छा माना उसने मोक्ष को अच्छा नहीं माना. बंध तत्व की भूल हो रही है उसकी, सभी तत्वों में भूल चल रही है उसकी, क्योंकि अपने को शरीर मानकर सोच रहा है. अपने को जीव मानकर सोचने लगेगा मैं कौन हूं तो ये सभी सारी भ्रमणाएं निकल जाएगी. मूल में भूल है जिसको कहते ना, मूल में भूल. देखो अभी यहां देखते हम 341 पेज पर हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा हुआ वचन वाला 220 गाथा का. अभी दूसरे में पुनश्च उससे विपरीत असत्य पदार्थ में वचन प्रवृत्ति को कारण जो भाव वचन, उससे जो प्रवर्तन रूप योग हो उसे असत्य वचन योग कहते हैं. कमंडल में यह घट है इत्यादि सत्य असत्य पदार्थ में वचन प्रवृत्ति को कारण जो भाव वचन, उससे जो प्रवर्तन रूप योग हो उसे उभय वचन योग कहते हैं. ऐसे ये भव्य तू जान. अब कौन सा रह गया? अनुभय. जो सत्य असत्य रूप न हो ऐसे पदार्थ में वचन प्रवृत्ति को कारण जो भाव वचन, उससे जो प्रवर्तन रूप योग हो उसे सत्य असत्य निर्णय रहित अनुभय वचन योग जानना. उसका उदाहरण उत्तर आधे सूत्र से, यानी सूत्र की दूसरी पंक्ति से कहते हैं. देखो द्विंद्रियादिक, यानी द्विंद्रिय तीन्द्रिय कहां तक? असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के जो केवल अनक्षर रूप भाषा है. भाषा के दो प्रकार हैं, एक अनक्षर और एक अक्षरात्मक. तो द्विंद्रियादि जीवों की कैसी भाषा है? अनक्षरात्मक है. तो पंचेंद्रियों की अनक्षरात्मक भाषा होगी कि नहीं होगी? होगी ना. असंगी तक तो मात्र अनक्षरात्मक है, पंचेंद्रियों की दोनों होगी. बच्चा रोता है कौन सी भाषा में रोता है? जर्मनी में कि अपने मराठी में कि गुजराती में कि हिंदी में? कन्नड़ में रोता है. मां बराबर समझती है क्यों रोता है, कैसा रोता है. उनके गोद में उठाने के लिए रो रहा है कि भूख लगी इसलिए रो रहा है कि गीला कर रहा है कपड़ा इसलिए रो रहा है? ये बिना अक्षर के वो समझ लेती है. संकेत रूप वो रोने से भी ख्याल आ जाता है, ये रोने की आवाज से पता चल रहा है क्यों रो रहा है. ये अनक्षरात्मक तो है ना, ऐसे संकेत रूप. अन्य जो असंगी तक की जो भाषा है ऐसी संकेत रूप है. यानी उन मात्र अनक्षर रूप है. पंचेंद्रियों में तो दोनों प्रकार से हो जाएगी. वह संगी पंचेंद्रिय जीवों की आगे कही है ऐसी जो आमंत्रणी आदि अक्षर रूप भाषा, वह सर्व अनुभय वचन योग जानना. ये भी बताएंगे आमंत्रणी, उसको भी अंकल हमने पढ़ के दिखाया भी था, उसको भी अनुभय में ले लेते हैं. अभी बात आई थी सत्य के बारे में, 10 प्रकार के सत्य क्या होता है, किस किस को सत्य कह सकते हैं, तो ये बात यहां आती है. तो जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य को उदाहरण रूप 3 गाथाओं के द्वारा यहां बताएंगे. तो उसके पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर एक एक की हम यहां बात देखेंगे. तो अभी आप जरा बोर्ड पर देखना 222 को हम पढ़ने के पहले उसको देखेंगे, सबके नाम देखेंगे फिर एक एक का स्वरूप देखेंगे. देखो ये सत्य वचन, ये सारे सत्य कहलाएंगे. एक है जनपद सत्य, ये क्या है वो अभी हम पढ़ के देखेंगे पुस्तक में से. सम्मति सत्य, सन्मति नहीं कहा, सम्मति कहा. स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य. इन सबको सत्य कहेंगे. तो वो क्या है उसकी हम बात देखते हैं कि की परिभाषा पुस्तक में से 342 पेज पर 222 की टीका, वहां से शुरू होती है बात. जनपद में संवृतिया सम्मति में, स्थापना में, नाम में, रूप में, प्रतीत्य में, व्यवहार में, संभावना में, भाव में, उपमा में, ऐसे 10 स्थानों में 10 प्रकार के सत्य जानना. जो अभी हमने नाम देखे वही बात यहां उन्होंने दोहराई है. नीचे की टीका, 10 प्रकार के सत्य कहे उनके उदाहरण अनुक्रम से कहते हैं. एकाद एकाद उदाहरण बताएंगे
तो उसको यहां सत्य कहेंगे हम। यानी ऐसा ही उदाहरण, ऐसा ही हम अन्य भी चीजों पर घटित कर सकते हैं, उसको उदाहरण कहते हैं। पहला नंबर जनपद सत्य है, देश में व्यवहारी मनुष्यों में प्रवृत्ति रूप वचन, उसे जनपद सत्य कहते हैं। यानी प्रवृत्ति में जो वचन बोले जाते हैं, जैसे ओदन यानी पकाए हुए चावल को महाराष्ट्र देश में भात कहते हैं, आंध्र प्रदेश में वंटक, मुकुड़ू यानी अन्नम कहते हैं। आपके वहां क्या कहते हैं भाई रमेश भाई, आपके यहाँ क्या कहते हैं? क्या कर्नाटक देश में कुल्लू कहते हैं, और द्रविड़ देश में चोरू कहते हैं। हमारे पास एक सर्वेंट काम करती थी, उसको हमने बोला मुकुड़ू मुकुड़ू, उन्होंने मुकुड़ू नहीं, आजकल हम उसको अन्नम कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में अन्नम डाल दिया। यानी ये सब उस देश में वो सत्य कहेंगे। अभी उसी शब्द का अन्य देश में अन्य अर्थ होगा, पर वो बात यहां नहीं है, ये सत्य कहेंगे उसको। हाँ राइस राइस आज अंग्रेजी में राइस हो गया। हाँ अभी दो नंबर संवृत्ति अर्थात कल्पना या सम्मति अर्थात बहुत जीवों द्वारा वैसे मानना, बहुतों के द्वारा वैसे मानने में आता तो उसको भी सत्य कहने में आता है। सर्व देशों में समान रूढ़ी रूप नाम, उसे संवृत्ति सत्य कहते हैं या इसी को सम्मति सत्य कहते हैं। जैसे किसी में पटरानीपना नहीं पाया जाता और उसे देवी कहते हैं, पट्टरानी को देवी कहेंगे, पर नहीं है तो भी देवी कह देंगे, रानी कह देंगे, जो कोई पट्टरानी कहेंगे। यानी जो इन जनरल एवरेज लोगों की कहने की पद्धति है उसको भी सत्य कह देते हैं। तीसरा नंबर अन्य में अन्य की स्थापना करके, ये तो हमें मालूम है ना, स्थापना निक्षेप किया जाता है, तो जो स्थापना की जाती है उसको वो जिसकी स्थापना की है उनके नाम से हम बुलाते हैं या उनको कहते हैं, तो वो भी सत्य कहने में आता है कि अन्य में अन्य की स्थापना करके उस मुख्य वस्तु का नाम कहना, उसे स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे हम कहें हमारे यहाँ ये महावीर भगवान है, महावीर भगवान तो अभी सिद्धालय में विराजमान है, वो तो सिद्ध अवस्था में है, महावीर भगवान उनको तीर्थंकर पद में कहते थे हम, पर हमारे यहां मूर्ति में हमने महावीर भगवान की स्थापना की तो हम कहते ये हमारे महावीर भगवान है। ये सत्य है कि असत्य है? कहते सत्य है, उसको स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे रत्नादिक से निर्मित चंद्रप्रभ तीर्थंकर की प्रतिमा को चंद्रप्रभ कहते हैं, उनकी प्रतिमा ऐसा नहीं कहेंगे, उनके डायरेक्ट भगवान के नाम से पुकारेंगे। चार नंबर नाम सत्य की बात कहेंगे, देशादिक की अपेक्षा भात इत्यादि नाम सत्य है, वैसे अन्य अपेक्षा रहित केवल व्यवहार निमित्त जिसका जो नाम हो वह कहना, उसे नाम सत्य कहते। हमने ये निक्षेप में देखा था कि उसका कोई गुण न हो तो भी हम वो नाम रख सकते हैं, हमारे बच्चे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसको तो सर्वज्ञ भी कहेंगे, लक्ष्मीचंद कहेंगे या धनपति कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो नाम से नहीं, वो तो हमने उसको बुलाने के लिए व्यवहार में पहचानने के लिए कोई भी नाम रखा हो, वहां उसके अर्थ से कुछ मतलब नहीं है, उसको भी सत्य कहेंगे, इसको नाम सत्य कहते हैं। जैसे किसी का नाम जिनदत्त है, जिनदत्त यानी भगवान ने दिया हुआ, भगवान ने कोई दिया नहीं है, तो जिन भगवान द्वारा दिया हो उसको जिनदत्त कहते हैं। यहां दान क्रिया की अपेक्षा बिना ही जिनदत्त नाम कहते हैं, ये तो सबकी पहचान वाले उदाहरण है। हाँ पांचवा नंबर है रूप सत्य, पुनश्च पुद्गल के अनेक गुण होने पर भी रूप की मुख्यता सहित वचन कहते हैं, उसे रूप सत्य कहते हैं। जैसे यह पुरुष गोरा कहते हैं, उसे रूप सत्य कहते हैं, वहां उसके केशादि काले हैं, केश काले हैं फिर भी उसको गोरा कह रहे हैं, अथवा रसादिक अन्य गुण उसके पाए जाते हैं, क्योंकि जिसके स्पर्श गुण है वहां अन्य भी, जैसे रूप की अपेक्षा बात करें तो वहां स्पर्श रस गंध वो सभी पाए जाते हैं ना, फिर भी उसको मुख्यता किसके कारण कहेंगे, वो वर्ण या रूप के कारण।
जैसे कौवा कैसा है पूछेंगे तो काला है, तो वो क्या हमने केवल उसका रंग देखा है और रंग के द्वारा बाकी गुणों की चर्चा नहीं है वहां पर, वो भी सत्य है ये कहना चाहते हैं, परंतु उनकी मुख्यता नहीं की। छह नंबर, सापेक्ष सत्य जिसको कहेंगे उसी को प्रतीत्य सत्य कहते हैं। सापेक्षता नहीं, वो रिलेटिवली हम कहते ना, कंपैरिजन में जो कहते हैं। पुनश्च अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी विवक्षित वस्तु को हीन या अधिक मान वचन कहते हैं, यानी लंबाई वजन इत्यादि, उसे प्रतीत्य सत्य कहते हैं। इसी का नाम आपेक्षित सत्य है, यानी सापेक्ष सत्य है। जैसे यह दीर्घ है कहते हैं, या हम कहते हैं ना ये लंबा है, लंबा किसकी अपेक्षा कहा, या हमारे यहाँ इंडिया में जिसको हम कहेंगे बहुत हाइट वाला है लंबा है, वो अमेरिका में जाता है तो क्या कहेंगे उसको, ये शॉर्ट है, यानी अपेक्षित हो जाएगी ना बात। तो मेरा प्रश्न एक है, वो हल्का भारी भी हम कहते हो अपेक्षित है, तो एक किलो कपास हल्का है कि एक किलो लोहा हल्का है, हाँ कपास, क्या कहते हैं आप, कपास कपास, आप क्या कहते हैं, ये हमारे भाई हंस रहे, अरे हमने एक किलो पूछा है, हमने एक किलो बताया पहले, कपास हल्का कहने में आता है, लोहा भारी कहने में आता है, पर हमने पहले बता दिया आपको एक किलो है, तो दोनों का वजन समान है। ऐसे पूछेंगे उसका अगर वॉल्यूम लेके पूछेंगे आपको कि इतना कपास हल्का है कि इतना लोहा हल्का है, तो कहेंगे लोहा भारी है ना, तो ये अपेक्षित हो जाता है। हाँ, कोई तो मिलता ही हमको ही प्रश्नों का उत्तर देने वाला। ये सापेक्ष सत्य है, यही से दीर्घ की अपेक्षा छोटा है परंतु उसकी विवक्षा नहीं की। ऐसे ही स्थूल सूक्ष्मादि कहना वह प्रतीत्य सत्य जानना, ये ज्यादा सूक्ष्म है या ज्यादा स्थूल है, ये जो कहते हैं वो सब जिसको कि ना अपेक्षित कथन है, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी। अब व्यवहार सत्य की बात है, सात नंबर पर, जो नैगमादि नय की अपेक्षा से, ये नैगमादि नय सुने हैं कभी, नाम मालूम है, हाँ बोलो, नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र समभिरूढ़ एवं भू, ये क्या हुए, सात नय शब्द रह गया ना, छह बताए शब्द नय रह गया। हाँ, तो नैगमादि नय की अपेक्षा से प्रधानता सहित वचन कहते हैं उसे व्यवहार सत्य जानना, यानी नय की अपेक्षा जो वचन है वो नय ने वो किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं ना वहां पर। जैसे हम कहेंगे हमारे भविष्य के तीर्थंकर कौन है, उनको कौन से नाम से बुलाते हैं अभी हम, श्रेणिक राजा, श्रेणिक राजा तो पहले हो चुके, अभी वर्तमान में तो पहले नरक के नारकी है और उन्हीं को कहेंगे हमारे भविष्य के तीर्थंकर है, ख्याल में आता है, इसको भी सत्य क्यों कहेंगे, वो नए से निक्षेप से वो सत्य कहेंगे, द्रव्य निक्षेप लगाया और उसी को हम भूत नैगम ने भावी नैगम ने ऐसा कथन करके उसका जो कथन करना है वो असत्य कहे नहीं कहेंगे, वो सत्य कहेंगे, उसकी अपेक्षा से उसको सत्य कहे जाएगा। जैसे नैगम ने की प्रधानता से ऐसा कहते हैं कि भात सीज रहा है, चावल पक रहा है, भात सीज रहा है, वहां भात तो बाद में पच जाएगा, अब तो चावल ही है। जैसे हम पूछते हैं ना कि कहीं किसी को मिलने गए तो लॉक देखा घर में, कुलूप का ताला था, तो बाजू वाले को पूछा कहाँ गए, तो शिखर जी चले गए, यात्रा करने के लिए चले गए, अरे अभी तो स्टेशन पर भी नहीं पहुंचे, बम्बई वाले भी बम्बई में ही है, तो कहाँ गए, क्योंकि वहां जाने के लिए निकल गए घर से बाहर तो गए, शिखर जी चले गए, ऐसा कहने की पद्धति है न? यही कह रहे यहां पर, यानी थोड़े ही काल में भात होने वाला है तो कहेंगे भात पक रहा है, इसलिए नैगम नय की विवक्षा से भात पर्याय रूप परिणमने योग्य द्रव्य की अपेक्षा सत्य कहते हैं। आदि शब्द से संग्रह नयादि का भी व्यवहार विधान जानना, यानी कौन से नये से ये कथन, इसको नयार्थ कहते हैं, कोई भी वचन है उसका एक शब्दार्थ होता है, शब्दशः अर्थ, उसके किस नये का कथन है उसको कहेंगे उसका वो नयार्थ है,
उसमें किसी मत की प्रस्तुति होती है, उसको कहते हैं मतार्थ। स्वमत परमत क्या है उसकी अपेक्षा उसकी चर्चा होती है। एक होता है भावार्थ। तो ये कोई भी हम शास्त्र का वचन पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी अपेक्षाएं लगती है। आगम में उसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि एक ही शब्द का अनेक अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। ये सब हमको स्वीकार करके फिर उसका अर्थ लेना चाहिए। नयों के व्यवहार की अपेक्षा से जैसे सर्व पदार्थ सत्व रूप है या असत्व रूप है इत्यादि वचन वह व्यवहार सत्य है। यानी नए की हम कहते ना ये भूतार्थ है अभूतार्थ है, ये जो कुछ कहने का जो प्रघात है तो ये नए से वो होता है। नयगमादि नए से संग्रह नयादिक का व्यवहार होता है, इसलिए इसको व्यवहार सत्य कहते हैं। अब आते हैं 344 पेज पर। अभी तक हमने कितने देखे, सात देखे। हाँ, अभी आठवां नंबर देखेंगे। इसका नाम है संभावना सत्य। असंभव परिहार पूर्वक, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, असंभव का परिहार करना, परिहार करना है उसको रूल आउट करना, निराकरण करना। असंभव परिहार पूर्वक वस्तु के स्वभाव के विधान रूप लक्षण वाली जो संभावना, यानी ये क्या पॉसिबल है ये बात बताने के लिए। देखो जैसे इंद्र में कितनी शक्ति है, तो कहते हैं जम्बूद्वीप पलटाने की शक्ति है। कितनी बार पलटाता है? एक भी बार नहीं, परंतु शक्ति को बताने के ही वो बताया जाता है। इसको कहेंगे संभावना सत्य, यानी उनकी शक्ति बताने के लिए ये बात कही जाती है। तो कहते कि विधान स्वभाव के विधान रूप लक्षण वाली जो संभावना, यानी इतनी शक्ति है कि वो जम्बूद्वीप को भी पलटा देवे, ये संभावना की बात है, उस वचन को संभावना सत्य कहते हैं। आगे लिखा है देखो, जैसे इंद्र जम्बूद्वीप पलटाने को समर्थ है कहना, वहां जम्बूद्वीप को पलटाने की शक्ति संभव नहीं, इसका परिहार करके, परिहार उसको हम वो जम्बूद्वीप पलटाएगा ना ये मानकर, केवल इसमें ऐसी शक्ति ही पाई जाती है, इस प्रकार जम्बूद्वीप पलटाने की क्रिया अपेक्षा रहित, यानी वो क्रिया वहां नहीं समझना, वो शक्ति कितनी है बस इतना समझना, सहित वचन वो वचन सत्य है, उसको भी सत्य कहेंगे। ये आपके मशीन की पावर किसमें गिनते हैं? हॉर्स पावर। तो क्या घोड़े लगाकर वो खींचते हैं क्या उसको? ये तो शक्ति नापने का एक यूनिट बनाया है ना। हाँ, जैसे बीज में अंकुर उग जाने की शक्ति है, वही इस क्रिया की अपेक्षा सहित वचन है। क्योंकि देखो बीज में अंकुर की उत्पादन की शक्ति है तो वैसी वहां क्रिया पाई जाती है, परंतु इंद्र में जो पलटाने की शक्ति जम्बूद्वीप को, वैसी क्रिया कभी भी नहीं पाई जाती। सब बात ख्याल में ना, ये उल्टा उदाहरण देके समझा रहे हैं। क्योंकि असंभव के परिहार द्वारा वस्तु स्वभाव के विधान रूप, विधान उसका कथन करना, जो संभावना उसके नियम से क्रिया की सापेक्षा करनी है, यानी जो संभावना सत्य है उसमें वो क्रिया कभी भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी कितनी सामर्थ्य है वो बताने के लिए यहां बताया जाता है। क्योंकि क्रिया है वह अनेक बाह्य कारण मिलने पर उत्पन्न होती है। ये तो हो गया संभावना सत्य। अब भाव सत्य की बात है, नौवा नंबर। अतीन्द्रिय पदार्थ में सिद्धांत अनुसार विधि निषेध के संकल्प रूप जो परिणाम, विधि यानी उसको जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, निषेध यानी उसको रूल आउट करते हैं, विधि और निषेध, अस्ति और नास्ति से जो कथन होते हैं उसको विधि और निषेध, या ऐसा है ऐसा नहीं है ऐसा जो कथन किया जाता है, वस्तु को विधि निषेध रूप से बताते हैं, वो संकल्प रूप जो परिणाम उन्हें भाव कहते हैं, और उन सहित जो वचन उन्हें भाव सत्य कहते हैं। जैसे यानी ये आगम के आधार से यहां बात बता रहे, क्योंकि जो पदार्थ हमारे इंद्रिय के गोचर नहीं है फिर भी आगम में जो विधि या जो पद्धति बताई जाती है या यह प्रासुक वगैरह पद्धति बताई जाती है उसकी बात यहां बता रहे। जैसे जो सूख गई हो, अग्नि से पक्व हो, वा घरटी कोल्हू इत्यादि यंत्र से छिन्न की हो। ये घरटी कोल्हू समझते हैं क्या? हाँ, घरटी ने वो घंटी होगी ना ये। हाँ,
अभी आप लोग मिक्सर समझो ना, यंत्र से छिन्न की हो, मिक्सर में वो चटनी बनाते हुए यंत्र से छिन्न की हमने, अथवा खटाई या लवण से मिश्रित हुई हो उसमें मसाला डालते हैं, या भस्मीभूत हुई हो ऐसी वस्तु, उसे प्रासुक कहते हैं। ये चरणान योग में प्रासुक जो कहने की पद्धति है उसकी बात यहां बताई है। इसके सेवन से पाप नहीं है, ये प्रासुक करने की विधि जो आगम में बताई जाती है उसकी बात है। हम पूछते हैं, लोग हमको पूछते हैं, ये क्या छन्ना लगाने के सारे जंतु निकल जाएंगे क्या उसमें से? ये विधि जो बताई है, आगम में जो बताई है, वहां जीवों के परिणाम को बताना है, और हम वहां वैसे अपने भाव बना लेते हैं। जीवों को बचाने के हम अपने भाव बना लेते हैं, और इसके लिए जो आगम में जो कहा है वो वहां वो भाव सत्य कहलाना है। लोग पूछते हैं ऐसा करने, हम तो वहां पर क्या घर में क्या लगाते वो एक्वागार्ड, और आप खाली वो थैली लगाते हैं या वो छन्ना लगाते हैं, उससे क्या होगा? आपसे तो हम ज्यादा प्योर करते हैं, आप शरीर के लिए प्योर करते हैं, जीवों के बचाने के लिए नहीं। वो एक्वागार्ड में जो फिल्टर होता है वो कितने संकाल के बाद साफ होता है? हाँ, तो 3 महीने में जीवों का क्या होता होगा? ये हम अपने शरीर, ये मैं हूं और मुझे ये नुकसान वाला है पानी, इसलिए उसको कर रहे, वो जीवों की दया के लिए नहीं कर रहे, अपनी भी दया नहीं हो रही उसमें। शरीर मैं हूं ये मान्यता है और उसके लिए हम लगा रहे, वो लगाना के नहीं लगा ये बात अलग है, परंतु अभिप्राय की बात है। समझ में आती है ना बात? हाँ, तो हम ऐसा छन्ना लगाते हैं कि जो ऊपर का जो छना हो, ऊपर जो बचता है वो हम फिर डाल देते हैं। अभी पहले की तो पद्धति वो नहीं रही, अभी वो तो फिर वो कुएं में डालने की पद्धति वो तो अभी होने से रही, क्योंकि नल से पानी आ रहा है हमको। पर हमें तो मानना है ना क्या योग्य है, वो मानना है और जितना कर सकते उसको करना है। स्वीकार तो थैली भी, उसको भी धोना है, उसको भी वैसे ही सूख जाते, उसमें भी दोष है सारे। हाँ, जितना बच सकते हो ऐसा उसमें से बचना है। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, आगम में तो उस जमाने में तो नल की व्यवस्था नहीं थी, तो उसका कथन भी नहीं है, क्योंकि हमारा पानी सब वो नाली में बहता है। यथा योग्य अपने विवेक से करना है, जितना कर सकते हो करो, परंतु श्रद्धा तो ऐसा रखो कि इसमें भी क्या दोष है, उसमें जितने टाल सकते हो उसके अपने तो टालने का प्रयत्न करना है। हम क्या एडवाइस करेंगे, आगम भरा पड़ा है ना एडवाइस से। यहाँ क्या देखे हुए, इसके सेवन से पाप नहीं, यानी जो प्रासुक की विधि ग्रंथों में बताई है उसकी बात है। इत्यादि पाप वर्जन रूप वचन उसे भाव सत्य कहते हैं। यद्यपि इन वस्तुओं में इंद्रिय अगोचर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते वो बात नहीं है, पाए जाते हैं, तथापि आगम प्रमाण से, इसको आगम प्रमाण कहेंगे, ये चरणान योग में जो आज्ञा है वहां या जो कथन है, प्रासुक अप्रासुक के संकल्प रूप भाव, ये हमारे संकल्प रूप भाव होते हैं कि ये विधि है और ऐसा करना चाहिए, ये हमने संकल्प किया ऐसा करने से हम जीवों को बचाना चाहते हैं, सभी जीव वहां नहीं बचने वाले हैं, उसके भाव के आश्रित ऐसा वचन यह सत्य है। क्योंकि समस्त अतीन्द्रिय पदार्थों के ज्ञानियों ने, अतीन्द्रिय पदार्थ के ज्ञानी कौन है? केवल ज्ञानी। कहा हुआ वचन सत्य है, यानी उसके आज्ञा से जो चरणान योग में जो कुछ विधि बताई जाती है उसको हमको स्वीकारना है। चकार से ऐसा ही और भाव सत्य जानना। अब अंतिम 10 नंबर का उपमा सत्य। किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता, किसी पदार्थ को कहते हैं वह उपमा सत्य है, उस रूप वचन उसे उपमा सत्य कहते हैं। अभी उसका उदाहरण भी देखा क्या दिया है, जैसे उपमा प्रमाण, एक होता है संख्या मान माप, संख्या गिनने का, और एक होता है उपमा मान, यानी उपमा प्रमाण, यानी उस प्रमाण को, उस असंख्यात को उपमा देकर समझाया है, उसका कोई नाम लेकर समझाया है। उसमें पल्योपम कहा है, पल्योपम क्या होता है? अनाज भरने का जो गोदाम, यानी खास, पहले के जमाने में क्या था आपने ये गांव में तो देखा होगा, जमीन के अंदर वो तो बड़े बड़े ऐसे पेव कहते हैं, कभी अंदर जाके देखे क्या? नहीं देखे, हमने देखे बचपन में। हाँ,
बहुत अच्छी तरह से उसमें अनाज रखा जाता है तो उसको कहेंगे खास, यानी वो पल्ल गड्ढा जमीन के अंदर बनाते हैं और उसमें अनाज रखा जाता है। उसकी उपमा जिसे हो ऐसी संख्या को पल्ल्योपम कहा, वह उपमा सत्य। पल्ल यानी गड्ढा, अब उसका जो आकार है हमारा अनाज का वो उस पल्ले के समान नहीं है, परंतु उसके उपमा देकर समझाया गया है इसलिए उसको सत्य कहेंगे, उसको उपमा सत्य कहते। असंख्याता संख्यात रोमखंडों के आश्रयभूत या उस प्रमाण समयों के आश्रयभूत जो संख्या विशेष है, यानी संख्या में तो उसको असंख्याता संख्यात कह देंगे, परंतु उसी को यहां विशिष्ट नाम देकर समझाना है। पल्ल लिखा है संख्या विशेष है, उसे किसी प्रकार गड्ढे में रोम भरने द्वारा, क्योंकि इतना गड्ढा करो उसको रोम खंडों से भर दो, उसके लिए भी रोम खंड वो उत्तम भोग भूमि के न्यूबॉर्न वाले 7 दिन के अंदर वाले उनके बाल के अग्रभाग उसको रोम खंड कहा, उसे वो भर देना 100 साल के बाद एक निकालना, तो 100 साल के जितने समय है वो एक रोम खंड के बराबर है। समयों को गिनेंगे तो इतने असंख्यात हो जाएंगे वहां पर। पल्ल की समानता के आश्रय से पल्ल्योपम कहते हैं। चकार से सागर आदि उपमा उपमा के विशेष जानना, ये उपमा के कोई नाम और अन्य मालूम है? 8 नाम है, पल्ल और सागर यहां बता दिए और हाँ अच्छा सुच्चंगुल, सुच्चंगुल ने एक अंगुल प्रमाण में एक प्रदेशों की संख्या, प्रतरांगुल ने स्क्वायर अंगुल, अंगुल गुना अंगुल वो प्रतरांगुल होता है, अंगुल का घन करो उसको घनांगुल कहते हैं, और हाँ जगत श्रेणी 7 राजू को जगत श्रेणी कहते हैं, 7 राजू × 7 राजू 49 राजू स्क्वेयर प्रतर राजू उसको जगत प्रतर कहते हैं, 7 राजू × 7 राजू × 7 राजू जगत घन कहो या लोक कहो, ये उपमा सत्य हो गए। अब हम यही रुकेंगे, अपना समय हो गया है, बोलो 2400 भगवान की।